नमस्कार। तो आज यहाँ पे हम CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और देख सकते हैं कि CDSL ने यहाँ पे अलग ही मोमेंटम के साथ ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथ ऑफ अप्रैल में स्टॉक 1800 के नीचे था, अभी देखोगे तो 2500 के ऊपर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। मोस्टली यहाँ पे आप देखा जाए तो आज फिर से एक बार नया 52 वीक हाई भी बन चुका है CDSL के अंदर, काफ़ी बेहतरीन बात है। कल भी हमने बात की थी कि 2500 लेवल की, आज स्टॉक जैसे ही ओपन हुआ है गैप अप से ओपन हुआ है 2500 लेवल के ऊपर, और 2500 लेवल को ऊपर गैप अप से ओपन होकर स्टॉक ने काफ़ी बढ़िया मूव बनाई और फिर से एक बार नया 52 वीक हाई जनरेट किया है। 2600 लेवल के करीबन स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है अगला, एज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक में वीक्स यहाँ पे बड़े जनरेट हो रहे हैं, जिसका कारण ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता होगा। पर अगर वॉल्यूम पॉजिटिव आते हैं तो स्टॉक ऑटोमेटिक मोमेंटम चेंज कर सकता है। कल के दिन की मोमेंटम देखोगे तो कल तकरीबन 4-5% की तेज़ी थी, आज भी तकरीबन 3% से ज़्यादा तेज़ी है।